तो वहीं लोकसभा चुनावों से पहले ईवीएम को लेकर विरोध और तेज हो गया है। इसी को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने अधिवक्ताओं के साथ मिलकर सिविल लाइन्स स्थित कौशिक पार्क से जुलूस निकाला और डीएम दफ्तर में प्रदर्शन करते हुए प्रशासनिक अफसरों को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन के दौरान ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे भी लगाए गए। इस दौरान चुनाव आयोग के खिलाफ भी प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे सामाजिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष बलराम सिंह ने कहा कि चुनावों में ईवीएम की भूमिका को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में वे लोग ईवीएम से चुनाव कराने का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनकी मांग है कि चुनाव आयोग ईवीएम से वोटिंग कराने की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराए, जिससे पूरी निष्पक्षता साबित हो सके। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछले कुछ जो चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में जनता का रुझान कुछ अलग है और रुझान कुछ अलग आता है। तो उसमें चूंकि चुनाव आयोग का काम होता है कि ये सरकार की विश्वसनीयता ना करके पब्लिक और जनता की विश्वसनीयता के हिसाब से काम करना चाहिए, तो जनता की ये मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए और ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से अगर चुनाव होंगे तो नतीजे कुछ और आएंगे।